हेलो पेरेंट्स वेलकम टू शिवीज क्लासेस आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूकेजी के बच्चों के लिए एनुअल एग्जामिनेशन पेपर ये ई का सैम्पल पेपर है बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आए मेरे पास कि ईवीएस यूकेजी के बच्चों के लिए ई वी एस का पेपर मैं बनाऊँ इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूं टोटल फिफ्टी मार्क्स का ये पेपर है वैसे तो यूकेजी में ईवीएस ओरल ही होता है लेकिन कभी कभी किसी किसी स्कूल्स में इस तरह के एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स पिक्चर रिकॉग्निशन, मैचिंग इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो अगर आपके बच्चे के स्कूल में ईवीएस ओरल पूछा जाता है तो आप इन्हीं सारे क्वेश्चन को उन्हें ओरली लर्न कराएं और इनकेस इस टाइप से आते हैं तो आप इस तरह की पेपर से उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं तो चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं ये पेपर फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर ये टेन मार्क्स में है यहाँ पे मैंने टेन एम सी क्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है वी स्मेल विथ आवर डैश तो वी स्मेल विथ आवर नोस तो नोस पे यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे नोस की स्पेलिंग लिखेंगे योर फादर्स फादर इज योर डैश तुम्हारे पापा के पापा को आप क्या कहते हो वो आपके क्या लगेंगे ग्रैंड फादर थर्ड क्वेश्चन विच एनिमल इज नोन एज किंग ऑफ द जंगल तो किंग ऑफ द जंगल कौन है लाइन इज द किंग ऑफ द जंगल क्वेश्चन फोर दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ डैश लाइट कलर और गेम्स तो दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट फ्लार इज डैश थिंग्स फ्लार क्या है लिविंग थिंग्स है नॉन लिविंग थिंग्स है और नन तो फ्लार इज लिविंग थिंग्स फ्लार्स में जान होती है क्यूँकी जब हम इन्हें प्लग करते हैं तो उन्हें भी पेन होता है नेक्स्ट आवर नेशनल बर्ड इज डैश हमारी नेशनल बर्ड क्या है मैना पिकॉक है तो पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड वी ईट आइसक्रीम इन डैश सीजन आइसक्रीम हम किस सीजन में खाते है रेनी विंटर समर समर इज द राइट आंसर एरोप्लेन इज डैश वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट तो एरोप्लेन इज एयर ट्रांसपोर्ट नाइन्थ नंबर डैश इज अ ग्रीन कलर वेजिटेबल ग्रीन कलर की वेजिटेबल टोमेटो ब्रिंजल स्पिनच तो स्पिनच इज ग्रीन कलर वेजिटेबल नेक्स्ट क्वेश्चन टेन डैश इज अ रूम इन द हाउस वेयर वी स्लीप तो हम लोग कहाँ सोते हैं बेडरूम किचन और बाथरूम तो वी स्लीप इन द बेडरूम हाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूकेजी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो कुछ बच्चे ये क्वेश्चंस रीड नहीं कर पाते तो उस केस में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं आप क्वेश्चन रीड करके उन्हें बताएंगे तो वो आंसर अपने से वो टेक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स ये भी टेन मार्क्स में मैंने टेन फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है और इसके साथ मैंने हेल्प बॉक्स भी दिए हुए हेल्प बॉक्स को देख के बच्चों को इसे फिल करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है वी शुड वेक अप डैश इन द मॉर्निंग तो वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग वी टेस्ट विथ आवर डैश हम लोग किससे टेस्ट करते हैं वी टेस्ट विथ आवर टी ओ एन जी यू ई टंग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वी हैव डैश सेंस ऑर्गन तो यहाँ पे लिखेंगे फाइव एफ आई वीई फाइव वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन नेक्स्ट फोर्थ नंबर डैश इज अ जूसी फ्रूट तो हेल्प बॉक्स में मैंने ऑरेंज लिया है तो so, यहाँ पे बच्चे लिखेंगे ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज ऑरेंज इज अ जूसी फ्रूट नेक्स्ट फिफ्थ नंबर डैश फ्लावर इज यूज टू मेक अ गारलैंड मैरी गोल्ड मैरी गोल्ड के फ्लावर्स को हम लोग यूज करते हैं गारलैंड में गारलैंड बनाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डॉग इज अ डैश एनिमल डॉग इज अट एनिमल नेक्स्ट बोट शिप्स आर डैश वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बोट और शिप वॉटर ट्रांसपोर्ट है वॉटर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट Next, we wear jacket sweater in a dash season. We wear jacket sweater in a winter season. Table chair are dash thing. Table chair are non living thing. आई uh, नो uh, इस पेंसिल से मैं लिख रही हूं इसमें बहुत लाइट लिखने में आ रहा है बट मैं क्वेश्चन आंसर डिक्टेट भी करती हूं तो उससे आप समझ सकते हैं मैं इसको इतना लाइट इसलिए लिखती हूं ताकि अगर आपको uh, इस पेपर का पी डी एफ फॉर्मेट चाहिए तो मैं इसे इरेज करके आपको प्रोवाइड करा पाऊ क्योंकि uh, ज्यादा डार्क लिखूंगी तो फिर आपको पी डी एफ फॉर्मेट जब मैं दूंगी तो उसमें ये शो uh, होता है नेक्स्ट टेन नंबर डैश इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स

को इयर से मैच कराएंगे नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स अब इन पिक्चर्स के भी नेम बताने हैं थ्री मार्क्स में ये क्वेश्चन है ईच पिक्चर कैरी पॉइंट फाइव मार्क्स इसके लिए मैंने यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है तो फर्स्ट पिक्चर इज पोमीग्रेनेट नेक्स्ट पोटैटो नेक्स्ट बिंजल नेक्स्ट पिक्चर कैरेट नेक्स्ट मैंगो एंड लास्ट पिक्चर इज एप्पल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव एनिमल एंड देयर साउंड्स यहां पे एनिमल्स के साउंड दिए हैं करेक्ट एनिमल के नेम के साथ उनके साउंड लिखने लाइक अ डॉग बार्क अ कैट म्यू डक क्वैक अ काउ मू ये क्वेश्चन भी टू मार्क्स में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स सर्कल द वन आउट इनमें से जो ऑर्ड है उन्हें सर्कल करना है टू मार्क्स में ये क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन कैरी पॉइंट फाइव मार्क्स तो यहाँ पे लॉइन है बेड है चेयर है तो बेड और चेयर तो फर्नीचर है और नॉन लिविंग थिंग है यहाँ लॉइन पे सर्कल करेंगे नेक्स्ट डॉग पैरट मैट तो डॉग और पैरट क्या है लिविंग थिंग है मैट इज नॉन लिविंग थिंग तो यहाँ मैट को सर्कल करेंगे नेक्स्ट मैंगो पिज्जा बनाना तो मैंगो एंड बनाना फ्रूट्स है पिज्जा इज अनहेल्दी फूड फास्ट फूड तो इसे सर्कल करेंगे नेक्स्ट रेनी समर हॉट तो रेनी और समर सीजन का नेम है हॉट डिफरेंट है तो हॉट को हम सर्कल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन राइट टू गुड हैबिट्स यहाँ पे कोई भी टू गुड हैबिट्स बच्चों को लिखनी है तो यूकेजी के बच्चे हैं तो अगर आपके बच्चे को आता है तो आप यहाँ रिटर्न करा सकते हैं और आप उससे ओरल भी पूछ सकते हैं एनी टू गुड हैबिट्स लाइक गुड हैबिट्स में बच्चे बोल सकते हैं वी शुड ब्रश आर टीथ ट्वाइस अ डे वी शुड कट आर नेल्स रेगुलरली वी शुड टेक अ बाथ डेली तो बच्चे ये ओरल uh, बता सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एट काउंट एंड राइट ये भी टू मार्क्स में है नंबर ऑफ आईज तो बच्चे अपनी आईज को काउंट करेंगे यहां पे लिखेंगे टू आईज नंबर ऑफ लिप्स लिप्स को काउंट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे टू लिप्स नेक्स्ट नंबर ऑफ इयर्स टू ईयर्स नंबर ऑफ नोज वन नोज नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स uh, uh, के नेम लिखे हुए बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और सेपरेट करके लिखना है कि कौन से लिविंग थिंग है कौन से नॉन लिविंग थिंग है तो सपोज चेयर चेयर इज नॉन लिविंग थिंग तो यहाँ पे एक साइड बच्चे नॉन लिविंग थिंग लिखेंगे सपोज यहाँ मैंने लिख दिया चेयर दिस इज नॉन लिविंग थिंग नेक्स्ट फ्लावर फ्लावर इज ए लिविंग थिंग नेक्स्ट सन सन इज नॉन लिविंग थिंग नेक्स्ट डॉग डॉग इज अ लिविंग थिंग पेन पेन इज नॉन लिविंग थिंग बॉय बॉय इज लिविंग थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन राइट टू थिंग्स दैट यू सी इन दीज रूम इन योर हाउस तो इन रूम्स में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं बच्चों को यहां लिखना है लाइक like, बेडरूम है तो बेडरूम में बच्चे बेड लिख सकते हैं पिलो लिख सकते हैं नाइट लैंप लिख सकते हैं लिविंग रूम में क्या क्या होता है बच्चे सोफा लिख सकते हैं टीवी लिख सकते हैं किचन में क्या क्या हो सकता है तो वो यहाँ पे डिशेस लिख सकते हैं नाइफ लिख सकते हैं स्टोव लिख सकते हैं मिक्सर लिख सकते हैं मीन्स कोई भी चीज जो किचन में होती है तो ये भी थ्री मार्क्स में है ईच आंसर कैरी पॉइंट फाइव मार्क्स क्वेश्चन नंबर इलेवन सर्कल द लैंड ट्रांसपोर्ट अब इनमें से लैंड ट्रांसपोर्ट को सर्कल करना है तो यहाँ पे देखते हैं एर, शिप एरोप्लेन बस इज अ लैंड ट्रांसपोर्ट तो बस पे सर्कल करेंगे कार पे सर्कल करेंगे एंड ट्रक पे सर्कल करेंगे नेक्स्ट सर्कल द वाटर ट्रांसपोर्ट अब इनमें से वाटर ट्रांसपोर्ट पे सर्कल करना है तो शिप पे सर्कल करेंगे ट्रक तो होगा नहीं बोट पे सर्कल करेंगे तो यहाँ शिप और बोट पे सर्कल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल द एयर ट्रांसपोर्ट तो एरोप्लेन पे सर्कल करेंगे देन हेलीकॉप्टर पे सर्कल करेंगे और रॉकेट पे सर्कल करेंगे तो ये ईच क्वेश्चन कैरी टू मार्क्स है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये बच्चों को ओरल ही देना है फाइव मार्क्स में है ईच क्वेश्चन कैरी वन मार्क्स नेम टू येलो कलर फ्रूट तो कोई भी टू येलो कलर का फ्रूट बच्चों को बताना है तो बच्चे मैंगो बनाना पपाया कोई भी फ्रूट बता सकते हैं येलो कलर का इन विच सीजन वी वियर वुलन क्लोथ्स तो इन विंटर सीजन वी वियर वुलन क्लोथ्स हु गिव्स अस मिल्क काउ गिव्स अस मिल्क नेम टू ग्रीन कलर वेजिटेबल टू ग्रीन कलर की वेजिटेबल का नाम बच्चों को बताना है तो लेडी फिंगर बोल सकते हैं बॉटल गार्ड बोल सकते हैं स्पिनच बोल सकते हैं नेक्स्ट वेन वी प्रिपेयर सेवैया हम लोग सेवैया कब प्रिपेयर करते हैं वी प्रिपेयर सेवैया ऑन ईद तो ये था यूकेजी के बच्चों के लिए ईवीएस का पेपर आई होप ये पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें यूके का मैंने इंग्लिश मैथ्स और ईवीएस का पेपर आपको दिखा दिया है इंग्लिश मैथ्स का पेपर देखने के लिए आप यूकेज की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं अब हिंदी सब्जेक्ट बच गया है तो बहुत ही जल्द मैं आपको हिंदी का पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगी तो उससे भी आप अपने बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं हाँ एक चीज और अगर आपको इन पेपर्स का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मुझे मेल करके भी बता सकते हैं Thank you so much for watching my video. Bye bye.